नवी मुंबई के कोंकण भवन में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीपाद सबनिस, जीएसटी के सह आयुक्त रमेश जैत समेत तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। मिनी मंत्रालय कोंकण भवन में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मान वंदना दी गई। बाबा साहब अंबेडकर जयंती महोत्सव समिति द्वारा आयोजित इस भीम वंदना कार्यक्रम में राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड और विचारवंत डॉक्टर श्रीपाल सबनिस, जीएसटी के सह आयुक्त रमेश जैत समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में जहां मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने बाबा साहब के विचारों को अपनाने पर जोर दिया, वहीं विचारवंत डॉक्टर श्रीपाल सबनिस ने सर्वव्यापी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विषय पर विस्तृत उद्बोधन किया और वर्तमान राजनीति एवं सामाजिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए बाबा साहब अंबेडकर को प्रासंगिक बताया। बाबा साहब अंबेडकर का कर्तृत्व ये हिस्टोरिक कर्तृत्व है और उसको जात पात और मजहब, प्रांत, भाषा, देश के नकाशे से सीमित करना, ये महापुरुष का भी पराभव है और संस्कृति का भी उसमें पराभव शोकांति का है, क्योंकि महापुरुष किसी जात के, किसी धर्म के, किसी देश के नहीं होते, वो सबके कल्याणकारी संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं। महापुरुषों को और महात्माओं के कर्तृत्व को जाति का जनेऊ पहनाकर उसको संकुचित करना, उसको कर्मठ बनाना, ये भक्त लोगों की दुकानदारी होती है। इस दुकानदारी का मैं निषेध करता हूँ। महापुरुष सबके होते हैं तो सबके ही रहने देना चाहिए। बाबा साहब अर्थशास्त्रज्ञ, मानववंश शास्त्रज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, इतिहास के तज्ञ हैं वो, और वो भारत के राष्ट्रभक्त महापुरुष है। मार्टिन लूथर किंग, मार्क्स, पीछे बसवेश्वर, आगे इसके बाद महात्मा फुले, गाड़गे महाराज, कबीर, रामानंद, आगरकर, गांधी, इन सभी समाजवादी, मानवतावादी महापुरुषों से उनका ताल्लुक है, उनका अनुबंध है। उस अनुबंध को पीछे रखते हुए सिर्फ जात पात का संदर्भ लेकर ही महापुरुष का गुणगान करना, ये उसकी बहुत ही शोकांतिका लगती है। इसलिए जयंती उत्सव सिर्फ एक जात और एक मजहब का नहीं होना चाहिए। यहाँ के मैं समाधान व्यक्त करता हूँ, कोंकण भवन में सभी जात धर्म के अनुयायी इकट्ठा आकर के अधिकारी कर्मचारी के अंदर की दीवार बाजू कर के तोड़ फोड़ के बाबा साहब का बड़प्पन शिवाजी महाराज के थोरवी के साथ उन्होंने यहाँ सम्मानित किया। इसलिए कोंकण भवन के इस जयंती समारोह की समिति का मैं अभिनंदन करता हूँ। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष रमेश जैद ने बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए भीम वंदना कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति की सराहना की। आज कोंकण भवन येथे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकरांची 131वी जयंती उत्सव मोठ्या थाटामाटात पार पडले। आज येथील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या उत्साहाने भाग घेतला। तसेच सकाळी आम्ही 11 वाजता आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित केलं होतं, त्यालाही भरपूर प्रतिसाद येथील अधिकारी कर्मचारी सोडून शिडको, नवी मुंबई महानगरपालिका, तसेच कोकण भवनमधील विविध विभाग आहे त्यांच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे। तसेच इथं भीम गीते गायली गेली, तसेच चित्रफितीच्या स्वरूपात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जीवनपट आम्ही सादर केलेला आहे। माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहेबसुद्धा यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून अटेंड केला। त्याचप्रमाणे डॉक्टर श्रीपाल सबनिस श्रेष्ठ विचारवंत आणि त्याचप्रमाणे अखिल मराठी साहित्य परिषदेचे माजी अध्यक्ष ते सुद्धा आपले बहुमूल्य मार्गदर्शन तसेच व्याख्यान देऊन गेले। आणि पहिल्यांदाच या कोकण भवन कार्यालयात
एक विद्यमान मंत्री आणि माजी अध्यक्ष अखिल भारतीय मराठी परिषदेचे यांनी अटेंड केल्यामुळं सर्वत्र आनंद व्यक्त आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.